स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्ट्स। वेल, वी ऑल नो सॉल्ट्स एक प्रोडक्ट हैं एसिड और बेस की रिएक्शन के, जो एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो एक एसिड और बेस से फॉर्म होकर बनते हैं और आयोनिक कंपाउंड है, जिसमें एक कैटायन है और एक एनायन है, और जो कैटायन पार्ट है वो एनायन से बाई इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। वेल, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बाई विच वी कैन क्लासीफाई सॉल्ट्स। द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, हम कैसे उन्हें फॉर्म करते हैं, एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएच वैल्यू, ठीक है, पीएच वैल्यू के हिसाब से। सो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, उनके फॉर्मेशन के हिसाब से हम सॉल्ट को डिस्कस करेंगे, देन फिर हम पीएच वैल्यू के हिसाब से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन वी क्लासीफाई सॉल्ट इन फोर मेजर टाइप। फर्स्ट वन इज सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ओके, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से हम फोर टाइप में डिवाइड किया है सॉल्ट को। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सिंपल सॉल्ट, देन लेटर वी विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग थ्री सॉल्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट्स आर व्हाट? वेल, सिंपल सॉल्ट्स, द सॉल्ट्स विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर कॉल्ड सिंपल सॉल्ट। एक ऐसा सॉल्ट जिसमें या पॉजिटिव आयन प्रेजेंट हो या नेगेटिव आयन प्रेजेंट हो, तो वो सिंपल सॉल्ट है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। वी क्लासीफाई सिंपल सॉल्ट इन थ्री मेन टाइप। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट्स आर व्हाट? वेल, द नॉर्मल सॉल्ट्स, द सॉल्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड बाई कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द आयनाइजेबल एच पॉजिटिव एटम्स ऑफ एन एसिड बाई अ मेटेलिक और अमोनियम आयन आर नोन एज नॉर्मल सॉल्ट। एक ऐसा सॉल्ट जो फॉर्म हो जब एच पॉजिटिव या हाइड्रोजन आयन कंप्लीटली रिप्लेस हो जाए किससे, कोई मेटेलिक या अमोनियम आयन उसे रिप्लेस कर ले, तो उस कंडीशन में जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो नॉर्मल सॉल्ट का एग्जाम्पल होगा। फॉर एग्जाम्पल, हेयर इन दिस एग्जाम्पल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बोथ रिएक्ट टुगेदर एंड ऑल द एच पॉजिटिव आयन ऑफ H2SO4, ठीक है, जो ये एसिड है इसके सभी एच पॉजिटिव आयन कंप्लीटली रिप्लेस हो गए हैं और एक सॉल्ट फॉर्म हुआ है, तो सोडियम सल्फेट का सॉल्ट फॉर्म हुआ है और वाटर यहाँ पे एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। सो हेयर इन दिस कंडीशन ऑल द एच पॉजिटिव आयन्स आर कंप्लीटली आयनाइज एंड न्यूट्रलाइज बाई मेटेलिक आयन्स, ठीक है, या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड से ये सभी के सभी एच पॉजिटिव आयन न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो नॉर्मल सॉल्ट होगा, राइट? सो इसी रिएक्शन में हम जनरली एक और रिएक्शन ऐड कर सकते हैं, सच एज फॉर एग्जाम्पल हम HCl प्लस NaOH की रिएक्शन लिख लें, ठीक है, इस कंडीशन में NaCl प्लस H2O फॉर्म होगा, वो भी एक नॉर्मल सॉल्ट का एग्जाम्पल है, यहाँ पे सभी H पॉजिटिव कंप्लीटली आयनाइज होके वाटर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं जिसमें एच पॉजिटिव आयन कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा। सो हम मल्टीपल रिएक्शन को फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ सॉल्ट सच एज एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, इनको यूज करके मल्टीपल रिएक्शन को फॉर्म कर सकते हैं। सच एज मैं यहाँ पे HCl की जगह पे अगर मैं एसिडिक एसिड को यूज़ कर लूँ CH3COH, तो वहाँ पे सोडियम एसिटेट का सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर। सो मल्टीपल रिएक्शन हम फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग अ पेरेंट सॉल्ट, पेरेंट सॉल्ट हियर, ठीक है, पेरेंट एसिड को यूज करके मल्टीपल सॉल्ट फॉर्म कर सकते हैं, राइट? तो सेकेंड वन इज एसिड सॉल्ट। सो एसिड सॉल्ट्स आर व्हाट? वेल, द सॉल्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल एच पॉजिटिव एटम्स, मतलब यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट होगा वो पार्शियल होगा, इट मीन्स दैट कंप्लीटली रिप्लेस नहीं होंगे एच पॉजिटिव एटम्स ऑफ एन एसिड बाई अ मेटल और एन अमोनियम आयन आर नोन एज एसिड सॉल्ट। इट मीन्स दैट जब किसी भी एसिड के एच पॉजिटिव आयन पार्शली रिप्लेस हो, तो उस कंडीशन में जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो एसिड सॉल्ट होगा, ठीक है। सो हेयर इन दिस एग्जाम्पल H2SO4 विच इज एन एसिड एंड NaOH एक बेस है,
सो इट इस कंडीशन में क्या है कि जो भी कंप्लीट जो H पॉजिटिव आयन है H2SO4 के, वो कंप्लीटली रिप्लेस नहीं हुए हैं, राइट। हियर इन दिस कंडीशन देयर इज अ H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन सॉल्ट, इट इंडिकेट इनकम्प्लीट यू नो ट्रांसफर, या हम कहें कि इस कंडीशन में जो रिप्लेसमेंट हुआ है वो पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ है, राइट। सो जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो एसिड सॉल्ट होगा। तो ये सॉल्ट है NaHSO4, इट मींस दैट सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का यहाँ पे सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है जो एक एसिडिक सॉल्ट है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो एसिडिक सॉल्ट है कब प्रोड्यूस होगा, व्हेन देयर इज एन इनसफिशियंट बेस, अगर जो बेस है वो इनसफिशियंट है तो उस कंडीशन में जो सॉल्ट प्रोड्यूस होंगे वो एसिडिक सॉल्ट होंगे, राइट। सो बाय पासिंग थ्रू सफिशियंट अमाउंट ऑफ बेस वी कैन कन्वर्ट दिस पार्शियली आयनाइज या पार्शियली रिप्लेस्ड या पार्शियली फॉर्म सॉल्ट इनटू अ नॉर्मल सॉल्ट। लेट्स सी हाउ। हियर इन दिस केस NaHSO4 व्हेन वी पास अगेन थ्रू विथ NaOH, सो इट विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट एसिडिक सॉल्ट हियर, ओके। तो यहां पे जो सॉल्ट बनेगा ये सोडियम सल्फेट का सॉल्ट बनेगा, सोडियम सल्फेट, ओके। यहां पे जो सॉल्ट था वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का सॉल्ट था जिसमें हाइड्रोजन कंप्लीटली रिप्लेस नहीं हुआ था, और इस केस में जब हमने इसको फिर से ट्रीट किया विथ सफिशियंट अमाउंट ऑफ बेस, सो इट विल फॉर्म एन एसिड सॉल्ट सोडियम सल्फेट, ओके। सो हेयर इन दिस कंडीशन व्हेन देयर इज अ पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल एच पॉजिटिव आयन, द सॉल्ट विल फॉर्म इज एसिड सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। तो यहाँ पे फिर आप मल्टीपल रिएक्शन फॉर्म कर सकते हैं आप एसिड को चेंज करके, ठीक है। यहाँ पे आप अगर HCl यूज करें फिर भी जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा एसिडिक होगा, CH3COH, मल्टीपल एसिड को यूज करके आप मल्टीपल एसिडिक सॉल्ट बना सकते हैं, राइट। सिमिलरली व्हाट आर बेसिक सॉल्ट्स, द सॉल्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड या OH नेगेटिव ग्रुप, ऐसे सॉल्ट जो पार्शियल रिप्लेसमेंट से फॉर्म हो, जब हम OH ग्रुप का पार्शियल रिप्लेसमेंट हो और जब हम उसे किसी एसिड के साथ ट्रीट करें तो वो सॉल्ट बेसिक सॉल्ट है, राइट। सो सिमिलर है बिल्कुल एसिड वाला। तो यहाँ पे देखिए लेड हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद एसिड, सो देयर इज एन पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप की जो है वो पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है, कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं हुआ है। तो जो सॉल्ट बना है वो बेसिक लेड क्लोराइड है, ठीक है, कम्प्लीट सॉल्ट नहीं है। सो व्हेन वी अगेन ट्रीट दिस बेसिक लेड क्लोराइड विथ सफिशियंट अमाउंट ऑफ HCl, हेयर द कंसेंट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ HCl इज वेरी लो, सो इन दिस केस द रिप्लेसमेंट ऑफ OH नेगेटिव कंप्लीट नहीं हुआ। अगर हम इसको फिर कंप्लीट अमाउंट में ट्रीट करें तो रिप्लेसमेंट होगा। तो हेयर इन दिस केस व्हेन वी अगेन ट्रीट बेसिक लेड क्लोराइड विथ सफिशियंट अमाउंट ऑफ HCl, सो इट विल प्रोड्यूस लेड क्लोराइड एंड वाटर, ओके। सो हेयर इन बेसिक सॉल्ट देर इज अ पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH नेगेटिव आयन, एसिडिक सॉल्ट में पार्शियल रिप्लेसमेंट H पॉजिटिव आयन में, और नॉर्मल सॉल्ट में कंप्लीट रिप्लेसमेंट, राइट। सो द फर्स्ट वन नॉर्मल सॉल्ट डिस्कस हो गया, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डबल एंड मिक्सड सॉल्ट्स।